जय हिंद दोस्तों, मैं मुकेश श्रीवास्तव और इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों अभी हाल ही में बहुत सारे एग्जाम का फॉर्म निकला हुआ है, जैसे कि बिहार दरोगा, यूपी का FCI, वो एग्जाम अभी निकला हुआ है, तो आप जरूर उसको भर सकते हैं और उसकी तैयारी कीजिए। तैयारी में आपके साथ हूँ मैं। और अगर आपने चैनल को मेरे सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, एक बेल का बटन होगा उसको दबाइए, मैं वीडियो जैसे ही डालूंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो दोस्तों आज का जो वीडियो है वो है भारतीय संविधान से और भारतीय संविधान के भाग नंबर 5 से, यानी आज जो विषय है वो है उपराष्ट्रपति से। तो आइए शुरू करते हैं, उपराष्ट्रपति के बारे में थोड़ा विस्तार से जानने की कोशिश करते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमारे संविधान में उपराष्ट्रपति भाग नंबर 5 में है और अनुच्छेद नंबर 63 में है। दोस्तों उपराष्ट्रपति का जो प्रावधान हमारे संविधान में जोड़ा गया है वो अमेरिका से लिया गया है, ठीक है। और एक बात और भी है, हमारे यहाँ उपराष्ट्रपति, जैसे आपने सुना होगा कार्यवाहक राष्ट्रपति, तो हमारे संविधान में कार्यवाहक उपराष्ट्रपति का प्रावधान नहीं किया गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे बड़ी बात योग्यता, उपराष्ट्रपति अगर आपको बनना है तो योग्यता क्या क्या चाहिए। तो देखिए हर पद में आपको मिलता है भारत का नागरिक होना चाहिए, ये होना चाहिए, लेकिन आप देखिए कि खास बात उसका एज, ठीक है। तो भारत का नागरिक होना ही चाहिए, कम से कम कितनी वर्ष होनी चाहिए, 35 वर्ष, यानी मोस्ट VVI आपका क्या है, 35 वर्ष। दूसरा लाभ के पद पे ना हो, यानी कभी सरकारी नौकरी विभाग में ना हो। तीसरा आपका राज्यसभा सदस्य होने की योग्यता होनी चाहिए। जब मैंने पिछले वीडियो में आपको राष्ट्रपति बताया था तो उसमें लिखा था लोकसभा का सदस्य होने की योग्यता चाहिए और उपराष्ट्रपति में राज्यसभा का सदस्य होने की योग्यता होनी चाहिए, ठीक है। अब आते हैं, योग्यता तो हो गया, अब इनका चुनाव कैसे होता है या उम्मीदवार कैसे होते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है चुनाव और यहाँ पे नीचे कॉलम बांटे हुए हैं। तो पहले बात करते हैं जो उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार होते हैं उनको क्या क्या चाहिए। तो पहला, जमानत राशि के रूप में कितनी जमा करनी होगी, 15,000 रुपये, ठीक है। यह है जमानत राशि, कितना है, 15,000, एकदम पॉइंट टू पॉइंट नोट कीजिएगा। फिर से कहा जाता है कि निर्वाचक मंडल में से 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक का हस्ताक्षर होना अनिवार्य है, ठीक है। अब निर्वाचक मंडल में से 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक, तो अब निर्वाचक मंडल का मतलब ये हुआ कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन से लोग भाग लेते हैं उसके बारे में बात किया जा रहा है, और जो भाग लेते हैं वही प्रस्तावक बनेंगे और वही अनुमोदक बनेंगे। एक बात और दोस्तों, जैसे मान लीजिए कि मैं एक इंसान हूँ, मैं ही प्रस्तावक बन जाता हूँ और एक तरफ हस्ताक्षर करता हूँ अनुमोदक का, ऐसा नहीं हो सकता है। आप प्रस्तावक बनिए नहीं तो अनुमोदक बनिए, एक ही आप फॉर्म भर सकते हैं। अब यहाँ पे निर्वाचक मंडल, इसका मतलब उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन शामिल होते हैं। तो यहाँ पे है राज्यसभा और लोकसभा के सदस्य, इसमें चुनाव में भाग लेते हैं। एक बात और जान लीजिएगा, यहाँ पे मैंने कोई निर्वाचित और मनोनीत सदस्य नहीं लिखा हुआ है, क्योंकि उपराष्ट्रपति के चुनाव में मनोनीत सदस्य भी भाग लेते हैं। अब मनोनीत सदस्य क्या है, मैंने पिछले फिर वीडियो में बताया था, मनोनीत सदस्य वो है जो राष्ट्रपति अपने मन से नियुक्त करते हैं या मनोनीत करते हैं। लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन और राज्यसभा में 12, टोटल कितने हो गए, 14, ये मनोनीत राष्ट्रपति करते हैं। अब आगे आते हैं प्रक्रिया, तो राष्ट्रपति का प्रक्रिया जो था वही प्रक्रिया आपका उपराष्ट्रपति का है। तो यहां पे देख लेते हैं, एकल संक्रमणीय पद्धति, अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और गुप्त मतदान के द्वारा इनका चुनाव होता है। और दोस्तों अगर मान लीजिए उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति के चुनाव में कुछ विवाद हो जाए तो उसका केस जो जाता है वो सीधे जाता है सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट इस पर निर्णय देता है कितने दिन के अंदर, 30 दिन के अंदर। मोस्ट VVI क्वेश्चन है, कितने दिन के अंदर, 30 दिन के अंदर। अब आते हैं आगे, मान लीजिए उपराष्ट्रपति चुनाव हो चुका है, अब यहाँ पे शपथ, उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, राष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देते हैं, तो राष्ट्रपति को, सिंपल। अब आते हैं कार्यकाल, कार्यकाल इनका कितने वर्ष का होता है, तो दोस्तों उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। लेकिन मान लेते हैं कि उपराष्ट्रपति 5 वर्ष के लिए चुना गए, 5 वर्ष पूरा हो गया और अगला चुनाव नहीं हुआ,
तो दोस्तों उपराष्ट्रपति तब तक अपने पद पे बने रहेंगे जब तक नए उपराष्ट्रपति का चुनाव नहीं होता है, ठीक है। वो मान लीजिए 5 साल पूरा हो गया और तो वो कहे हटो हटो, तो खाली नहीं कर सकते आप, जब तक नया कोई नहीं आएगा तब तक ये हटेंगे नहीं। आगे बात करते हैं यहाँ पे पदेन सभापति, ये ज़्यादा एग्जाम में आता है, इसको समझिएगा। जो उपराष्ट्रपति होगा वो राज्यसभा का सभापति होगा, ठीक है, यानी पदेन सभापति कहाँ, किस सदन के, राज्यसभा के। यहाँ पे देखिए, और दोस्तों इनका वेतन कितना है इस पर भी चर्चा कर लेते हैं। वेतन है 1,25,000, यहाँ देख सकते हैं, और ये संचित निधि से दिया जाता है। और एक बात और है, ये राज्यसभा के तो सभापति होते हैं लेकिन इनको वोट देने का अधिकार नहीं है क्योंकि ये राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं। लेकिन हाँ, अगर मान लीजिए किसी मुद्दे पर 50-50 वोट गिरा है तब वो निर्णायक वोट दे सकते हैं, ये प्रावधान किया गया है कि निर्णायक वोट वो दे सकते हैं, लेकिन ऐसे वो वोट नहीं करने का अधिकार दिया गया हमको। दूसरी बात कि वेतन तो इनको 1,25,000 है, लेकिन मान लीजिए कभी महाभियोग राष्ट्रपति पे चल गया, वो बीमार पड़ गए या वो उनकी मृत्यु हो गई, तब उपराष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। अब उपराष्ट्रपति जब राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है तो उनको वेतन इसका ये नहीं मिलता है, उनको वेतन राष्ट्रपति का मिलता है, सुविधा भी मिलता है, सारा चीज उनको राष्ट्रपति के रूप में ही दिया जाता है। लेकिन अगर मान लीजिए राष्ट्रपति की मृत्यु हो गया या बीमार ही हैं वो, तो कितने दिन तक वो उपराष्ट्रपति उस पद पे बने रहेंगे। तो दोस्तों अगर ऐसा होता है तो वो अधिकतम 6 महीना तक राष्ट्रपति बने रहेंगे और 6 महीना के अंदर में चुनाव कराना एकदम अनिवार्य है, ठीक है। तो अधिकतम 6 महीना तक वो राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे और उसके बाद चुनाव हो जाएगा तो वो वहाँ से हट जाएंगे। तो ये है दोस्तों आपका उपराष्ट्रपति के बारे में विस्तृत से जानकारी। इसमें बहुत सारे पॉइंट है, आप एकदम नोट कर लीजिएगा, उसका टेस्ट दीजिए, अगर नहीं समझ में आए तो एक बार कमेंट में कर दीजिए। और मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो समझ में आया है। धीरे धीरे मैं पॉलिटिकल साइंस के और भी सारे वीडियो मैं बनाकर आपके लिए लाऊंगा। लेकिन दोस्तों अगर आपको पसंद आया है तो थोड़ा सा लाइक कर दीजिएगा, कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। और भी ज़्यादा पसंद आया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब तो अगर किए हैं तो देख ही रहे हैं आप, जो नहीं किए हैं वो कर लीजिए, और थोड़ा वीडियो भी शेयर कर देते हैं तो अच्छा रहेगा। चलिए, जय हिंद।